अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद फराज रफी सिक्योरिटी से KSE 100 इंडेक्स टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। आज हफ्ते का दूसरा दिन है, ट्यूसडे और मई की 10 तारीख है। आज मार्केट 111 पॉइंट प्लस के साथ बंद हुई है 43,504 पॉइंट्स के ऊपर। आज की मार्केट की कैंडल लिमिटेड है, दोनों तरफ ऊपर भी गई नीचे भी गई, मुनासिब तादाद में इसने विक्स बनाए, लेकिन इसकी जो विड्थ है, इसका जो साइज़ है, वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन बहुत लिमिटेड है। मार्केट का जो लो है वो तकरीबन कल के लो के बराबर ही है, और वहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है, हाई के ऊपर भी गई है, मगर क्लोजिंग जो है वो मिड में आई है, हाई के करीब नहीं आई। तो एक लिमिटेड कैंडल है, दोनों साइड्स पर विक्स हैं, कंसोलिडेटेड या मिक्स ट्रेंड की को इंडिकेट करता है, और एक्सपेक्टेड दो से तीन दिन तक का जो ट्रेंड है मार्केट का वो कंसोलिडेशन का ही है, प्लस अपर साइड गेन बिल्कुल आ सकता है। नीचे की तरफ जो है वो 42,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, पहला सपोर्ट लेवल 43,200 और 43,000 है, और फिर जो है वो इवेंचुअली 42,700। ऊपर की अगर बात करें तो 44,000 इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, और एक्सपेक्टेड जो है वो मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक करना ही एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत नीचे जाए तो जाए, मगर ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नेक्स्ट प्लस अपवर्ड साइड ट्रेंड के हैं। और 44,000 के बाद नेक्स्ट है 44,500 तक का लेवल इसका नेक्स्ट होगा। थैंक यू।